हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव मॉमीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे कैसे जो है बच्चा बनना स्टार्ट होता है, कब से जो है आपको महसूस होने लग जाएगा, क्या क्या आपको सिम्टम नज़र आएंगे, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं प्रेगनेंसी मंथ्स की पूरी सीरीज़ लेके चलूँगी, जिसमें मैं फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक का पूरा एक सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाऊँगी, जिसमें आपको हर मंथ में क्या करना चाहिए, बेबी की कैसी डेवलपमेंट होती है, सारी जानकारी आपको उन वीडियोज़ में मिलेंगी। तो आगे वाली वीडियोस और आगे सेकंड थर्ड मंथ या फिर और 9 मंथ तक की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है, इसको हम प्री प्रेपरेशन टाइम भी बोल सकते हैं, प्री प्रेपरेशन मंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी की नींव रखी जाती है और प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर हो रही होती है, बच्चा भी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। तो इस टाइम पे जो है आपका जो ओवम है जिससे बच्चा बनता है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होने लग जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर ओवम की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ओवम आपका हेल्दी नहीं होगा, तो जो आपका बच्चा है उसमें भी कोई बर्थ डिफेक्ट के चांसेस या आगे मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। तो इस टाइम पे जो हमारी बॉडी का काम होता है वो होता है कि जो ओवम है, जो एक एग रिलीज़ होगा, उस एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करना ताकि जो बच्चा है वो हेल्दी हो सके। और एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहती हूँ। आप सोचते होंगे कि जब आपने प्रेगनेंसी, आपकी पीरियड मिस हुए हैं तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वो आपका पहला महीना है, जैसे ही पॉजिटिव आया तो वो आपका पहला महीना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला महीना होता है उससे फर्स्ट पहले वाला महीना, मतलब कि जब आपको लास्ट पीरियड्स जब आए थे उसके एक हफ्ते बाद से हम लेके चलते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई, और पिछले महीने को हम जो है पहला महीना मानते हैं। तो पहले महीने का आपको पता भी नहीं होता कि आप जब उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे, आपको सेकंड मंथ में ये बात पता चलती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब जानते हैं कि इस दौरान क्या क्या आपकी बॉडी में जो है होता है, अंदर बेबी की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होता है। तो इस टाइम पे आपकी बॉडी में जो नरिश्ड हुआ हुआ ओवम होगा वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ पे वो मिलता है स्पर्म के साथ, और दोनों के मिलने से क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो अब हमारे पास वो फर्टिलाइज्ड एग है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपके जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है और वहीं पे उसकी जो है ग्रोथ हो रही होती है। जब आपके पहले महीने का थर्ड वीक चला होता है, जब मतलब आपकी प्रेगनेंसी को थर्ड वीक हो जाता है, उस टाइम पे ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये फेलोपियन ट्यूब से चला जाता है यूट्रस में, और वहाँ जाके ये वहाँ की एंडोमेट्रिक लाइनिंग पे जाके चिपक जाता है। तो वहाँ पे जब ये चिपक जाता है, इस प्रोसेस को पूरी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो पहले जो वाली जो प्रोसेस थी उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और अब इसकी जो यूट्रस पे जाके क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन। तो बाकी की जो ग्रोथ बच्चे की होनी है वो सारी की सारी यूट्रस पे ही होती है। तो जो थर्ड वीक है आपकी प्रेगनेंसी का, जो ये थर्ड वीक होता है, इसमें आपको जो सिम्टम्स है वो नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका सुबह उठ के जो है मन खराब होगा, जी मिचलाएगा, आपका कुछ भी खाने को मन नहीं करेगा, कई लेडीज़ को जो है चक्कर भी आते हैं, या आपको उल्टी आने का मन कर सकता है, या आपको उल्टी आ भी जाती है, कईयों को वॉमिटिंग भी होती है, आपको आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें काफ़ी टेंडरनेस महसूस होगी, ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ना लग जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो ज़्यादातर जो लेडीज़ को देखने को मिलते हैं, लेकिन कई लेडीज़ ऐसी होती जिनको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, या फिर कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको इनमें से सिर्फ दो ही सिम्टम होंगे, कि मॉर्निंग सिकनेस ही है या किसी को वॉमिटिंग ही है। तो वो बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स सभी को नज़र आएँ। अब बात करते हैं फोर्थ वीक की। फोर्थ वीक के दौरान आपके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाएंगे, और जो आपका अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अब जानते हैं कि इस दौरान बच्चे के साथ क्या क्या होता है। बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्किन हो गई, मसल्स हो गई, ये सब चीज़ें जो है बच्चे में बनने लग जाती हैं। तो इस टाइम पे बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स वगैरह बनने लग जाती हैं, और जो मेजर ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सब ऑर्गन्स जो है बच्चे के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम बच्चा सारी ग्रोथ होने के बावजूद बहुत ही छोटा होता है,
वो सिर्फ एक चावल के दाने जितना होता है। आप समझ लीजिए कि ग्रोथ हो रही है लेकिन बच्चे का साइज़ अभी इस टाइम पे फर्स्ट मंथ में नहीं बड़ा होता है। तो इस टाइम पे स्टार्टिंग का जो ये फर्स्ट मंथ होता है, इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या होता है, क्या क्या आपको सिम्टम नज़र आते हैं, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होती है और कैसे बच्चे की जो है फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे बच्चा जो है वो ठहरता है प्रेगनेंसी के दौरान। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आगे प्रेगनेंसी की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें सभी मंथ्स के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उन सब वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।